हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहां पर मैं बात करने वाला हूं आपके बिहार बोर्ड कक्षा 10 के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां से न्यूज़ निकल के आ रही दैनिक भास्कर से, आप लोगों का रिजल्ट आना तय हो गया है। इसका टाइम भी फिक्स है, कितने टाइम तक आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बड़े वीडियो में आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी खबर, आपको कैसे करना है रिजल्ट चेक और कौन सी है वो लिंक। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ अगली स्लाइड में, जहाँ पर मैंने दैनिक भास्कर की वो स्लाइड ओपन कर ली जो अभी अपडेट हुई है। क्या बिहार बोर्ड जल्दी जारी हो सकता है दसवीं बोर्ड का रिजल्ट, यह नतीजे का डायरेक्ट लिंक। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट 24 मार्च को जारी किया गया था, जिसमें से 80.44% स्टूडेंट्स पास हुए हैं थे। इस साल बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा परीक्षा में करीबन 15,29,393 छात्र शामिल हुए हैं। अब यहाँ पे बोला गया है, क्या यहाँ पे बोला गया है कि पूरी खबर, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम जल्दी जारी हो सकते हैं। क्या सब लगाए जा रहे हैं कि नतीजे आज यानी गुरुवार 21 मई 2020 को घोषित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक जिन छात्रों ने टॉप किया है उनमें से आधे की सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस प्रक्रिया के पूरे होते ही आपका बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा के परिणाम जारी हो सकते हैं। दरअसल 10वीं बोर्ड का परीक्षा मार्च के अंत तक घोषित किया जाना था। देश भर में कोरोना की वजह से बने हालातों के कारण परीक्षा परिणाम आने में इतनी देरी हुई, लेकिन अब बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में जल्द ही रिजल्ट आने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या बोला है इन्होंने दैनिक भास्कर वालों ने, यहाँ पर बोला गया है क्या संभावना है, लंबे समय से नतीजों को बेसब्री से इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे BSE यहाँ पर आप पढ़ लेना, और बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in और आपका इस साइट पर जाकर आप मैट्रिक परिणाम 2020 देख सकते हैं। इस साल बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में करीबन 15,29,393 छात्र शामिल हुए थे। इसके लिए राज्य भर में 1368 परीक्षा केंद्र पर 17 फरवरी से 24 फरवरी तक 10वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। आपको कैसे करना है चेक, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है कि ऐसे देखें रिजल्ट। आपको देखना है सबसे पहले बिहार बोर्ड की मैट्रिक रिजल्ट 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएँ। यहाँ पर बोर्ड परिणामों में संबंधित लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिस पर अपनी डिटेल्स भरें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक नया पेज मिलेगा, आप उस पर अपनी डिटेल्स भरेंगे। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे बोला गया है कि हालांकि अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, एक बार सक्रिय होने के बाद आपके सबमिट करने के बाद उम्मीदवार अपना परिणाम देख सकेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, यहाँ पर 12वीं की डिटेल दी, हमको इससे मतलब नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर बिहार बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाना है। जैसे आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, उसकी लिंक एक्टिव होने वाली है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका रोल नंबर डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और आपका रिजल्ट आपके समक्ष शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी, दैनिक भास्कर ने अभी रिलीज़ की है जस्ट कुछ मिनट्स पहले। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल डन है कि आने वाला है। ओके दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है, आप लोग अपना परिणाम बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं और आपने क्वालिफाई किया है। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।